देखिए मेरे भैया आ गए, मेरे ब्लॉक अब खराब आ हो गया जाओ। ब्लॉक। ये इस पे बहुत सारे लगे हैं, अब गिरेंगे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह से सब लोग मुझे विशेस दिए जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि कल तो अनु का बर्थडे था, आज फिर किस चीज की विशेस? आज है मेरी एनिवर्सरी, 5 साल पूरे हो गए हैं आज मेरी शादी को। तो इस बार एनिवर्सरी पे मैं पहली बार अपने मायके में हूँ। ये वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। अनु इधर आओ, यहाँ मम्मा के पास आओ तो सही। आज मम्मा की एनिवर्सरी है, आपने विश किया मम्मा को? हैं? भाभी के हाथों की ना चाय इतनी टेस्टी लगती है कि मेरी ना आदत ही खराब हो गई है। मैं ना रोज सुबह सुबह चाय पीने लगी हूँ। केक खा लेती हूँ, कल ना मैंने केक ही नहीं खाया था शाम को, केक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लो लो, हैप्पी एनिवर्सरी आरजू। थैंक यू भैया। पार्टी पार्टी ठीक, पार्टी मिलेगी। क्या खाओगे? मार मार खाओगे? सुबह से सब लोगों ने मुझे विश कर दिया है, लेकिन जिनके जिनकी एनिवर्सरी है ना, पति देव ने अभी तक मुझे विश नहीं किया है, वो अभी तक सो ही रहे हैं। उनको काम होता है, आपको कोई काम ही नहीं है। मैं काम नहीं कर रही हूँ, वो पार्टी के लिए सुबह से कमाएंगे तब शाम को पार्टी कर पाएंगे। बात तो खैर सही है। आज मौसी बनाने के लिए जा रही हैं पोहा। मौसी बहुत टेस्टी पोहा बनाते हैं। तो ये देखिए, करी पत्ता, छोटे छोटे आलू और प्याज लंबा लंबा कट करके रख लिया था। बाकी ये देखिए, ये वाला पोहा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कढ़ाई में तेल डालना है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो तेल भी थोड़ा सा सही से डालना है। उसके बाद इसमें डाल दी है राई, राई चटकने पर डाल दिया था इसमें जीरा। उसके बाद मूँगफली के दाने हम लोग अच्छे से भूनेंगे, थोड़े से क्रंची क्रंची से ना हो जाए। देन इसमें डाला है कड़ी पत्ता, कड़ी कह रही हूँ, करी पत्ता। उसके बाद इसमें डाल दिया है प्याज वगैरह जो हमने कट करके रखा था ना, प्याज। मतलब मौसी ना सारी चीज़ें एक साथ डालती हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले प्याज भूजती थी उसके बाद आलू, लेकिन मौसी ना सब एक साथ ही डालती हैं और मौसी टमाटर स्किप कर देती हैं। और पोहा था ना थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वाली जिसमें हम लोग वॉश करते हैं ना पोहा, इसमें आ नहीं पा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 2 बार में वॉश कर लेंगे। पोहा मैंने धुल के रख दिया है। और ये देखिए, हमारे जो आलू हैं वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते, थोड़े बहुत जो भी कच्चे होंगे ना वो भी पक जाएंगे। और इसमें ना हल्दी भी डाल दी थी, जब तक मैं पोहा वॉश कर रही थी ना तब तक मौसी ने हल्दी भी डाल दी थी। और ये पोहा में ना चीनी डाली है 1 चम्मच, इससे ना टेस्ट थोड़ा सा अलग सा आता है, बड़ा टेस्टी सा लगता है। तो आलू जो है वो पक गए थे, इसमें डाल दिया है पोहा। सिर्फ इसमें ना मिर्च पड़ती है, मिर्च और हल्दी डाली थी और बाकी नमक। बाकी इसमें धनिया वगैरह, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं डाली जाती हैं। तो सारी चीज़ों को ना आपस में मिक्स कर दिया था, पोहा बनके ना एकदम रेडी है। पोहा वैसे बड़ी जल्दी बन जाता है, तो चलो टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है खाने में। खाने में ना यार मुझे पता है ये टेस्टी लगेगा, देखने में तो बड़ा ही यम्मी सा लग रहा था। आज है संडे तो मुझे करनी थी ऑयलिंग। आज ना प्याज का रस नहीं लगा रही बालों में, क्योंकि हेयर स्टाइल होगा ना 2-3 दिन बाद, स्मेल आएगी तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ और जल्दी से ऑयलिंग करके नहा के आ जाती हूँ मैं। आज ऑयलिंग कर रही हूँ ना, तो आज 2 बार हेयर वॉश कर लूंगी, तो जो भी ऑयल होगा ना बालों में वो खत्म हो जाएगा, उससे फिर हेयर स्टाइल बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। और ना कल शाम जो मैंने सूट हटा दिया था ना, थोड़ी देर के लिए पहना था, तो वही सूट आज मैंने पहन लिया है। तो खाना खा लेती हूँ यार, भूख बहुत तेज लग रही है। सुबह ना पोहा ही खाया था ब्रेकफास्ट में। खाने में दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, 2 जगह मैंने दाल रखी है क्योंकि चावल है ना। और ये शाम की है शिमला मिर्च की सब्जी, एंड ये प्याज, और ये रोटी। और ना आलू फ्राई किए गए हैं जो कि मुझे नहीं पसंद है, तो मैं वो नहीं लेके आई। तो ये सब्जी ले आई मैं शिमला मिर्च वाली, तो वही मैं खाऊंगी। तो खाना खाती हूँ फिर मिलती हूँ मैं और हमारी आन्या। हेलो
देखिए मेरे भैया। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, आपका शायद चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, वो है मेरी ताई जी, ताऊ जी और उनके भैया, यानी कि जो चुन्ना भैया है ना उन्हीं के भैया हैं। ये लोग ना सब शर्माते हैं, सिर्फ एक फैमिली में है जो कि है चुन्ना भैया, जो एकदम फ्रैंक है, मस्त उनके साथ वीडियो वगैरह शूट करो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ताई जी, ताऊ जी और भैया बहुत ज़्यादा शर्म आती है लोगों को, तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। मैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकती ना, है ना। तो बस रिश्ता तो आते ही जा रहे हैं। अभी भी देखो बहुत सारे मेहमान आएंगे, अभी मौसी आ रही है, एक और आई थिंक दो मौसी आ रही हैं, लवली की मौसी हैं वो भी, मतलब मेरी मौसी हुई बट हाँ वो लवली की जो है लवली की मौसी हैं स्पेशल। वीडियो एडिटिंग करते करते ना मैं सो गई थी, लाइट चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, एकदम मस्त वाली नींद आ गई मुझे। मैं ना जो अपने लिए पीछे लेके आई थी ना, आज है दिन संडे, तो मैं उन बिछियों को ना बढ़ा देती हूँ और ये नए वाले बिछे पहन लेती हूँ। संडे वाला दिन ना सबसे बेस्ट होता है, तो ये वाले बढ़ाती हूँ, नए नए पहनती हूँ, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बिछिया? अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे अच्छे लग रहे हैं। छोटे छोटे मेरे ना मन था छोटे छोटे बिछिया पहनने का, और दो लिए इस बार मैंने, और ना मैंने जहाँ पे मैंने पहले पहन रखे थे ना बिछिया, उससे थोड़ा सा पीछे हटके दबाए हैं इस बार, तो मुझे सही लग रहे हैं। छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे बिछिया जो है वो समझ में आते हैं। तो वीडियो यार मेरी इतनी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि शादी का घर है ना, तो यार काम इतने सारे हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो काम नहीं होते हैं, खाना वाली भी लग गई है और बर्तन वाली भी लग गई है, तो खाना पीने, खाना और बर्तन से तो कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग आते हैं ना तो सबके साथ बैठ जाती हूँ, इस चक्कर में वीडियो ही एडिट करना भूल जाती हूँ मैं। अबू कहाँ है ऊपर है हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ कुछ कुछ। एक चिड़ैया तोता ताई कान में धर के पेछा लाई, पेछा दे दो घास में, ब्याह करो बिझाग में, बिझाग में, बिझाग में, बिझाग में। वो एंजल आ, मेरी एंजल है, देखो एंजल कितनी प्याली लग रही है, कितनी गोली है मेरी एंजल। बोलो क्या कह रहे हो, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, क्यों मैं कौन हूँ, आरजू, मैं आरजू हूँ कि बुआ हूँ, हाँ बुआ नहीं आता बोलना, बुआ नहीं कहता, आरजू कहता है, बुझदान हो गई हो, और पता अपने आप बुलेट पे चढ़ के बैठ जाएगा, इसे डर भी नहीं लगता है, मुझे तो ये लग रहा है। ये देखिए आंटियां लोग आ चुके हैं खाना बनाने के लिए, अपना ना टाइम से लग गए हैं सब लोग खाना बनाने में, इससे ना खाना जो है वो टाइम पे बन जाएगा। दो सही लग रहे हैं वैसे, नहीं सही बड़े हैं ना, दस सही भाई, अंगुलियां में जाऊं हूं वाला, मैं तीन और ज्यादा अच्छे लगे, लड़की नहीं हो तो सही कह रही हो, गुण बड़े दो पहले सही कह रही हूं, नहीं भाभी चाय बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैं, ताऊ जी और दादी ये सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। दादी कह रही है तीन तीन बिछिए पहनने चाहिए, तुम तो लड़की हो अभी। अनुराग कुछ नहीं कहता तोड़ अनुराग, मैं भी खाऊंगी, गिर रहे नीचे, नहीं गिर रहे, देना भैया, ये इस पे बहुत सारे लगे हैं, अब गिरेंगे, अब गिरेंगे, इस पे कितने सारे लगे हैं, लगे लगे कितने सारे हैं इस पे, जामुन तोड़ रहा है, देखो लगे भी हैं, इस वाले पे बहुत सारे लगे हैं लेकिन टूट नहीं रहे हैं। अनुराग यही वाले हिला, जामुन खाने आप नहीं आ रहे दादा, मैं आप मामा को पुच्छी कर दो, कुछ मबुआ को पुच्छी कर दो, मुझे भी दे दो थोड़े जामुन, चार तो भरी ले रखी है, खाएगा ना, मुझे खट्टे हैं जामुन, मीठे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, चलो खा गए, खाओगे, हाँ बुआ आ गई, मामा नमस्ते, पुत्तू है, बाबा है,
हेलो फ्रेंडा फ्रेंडा, देखो मम आ गए हमारी, अब लग रहा है एकदम घर भरा भरा। शिवानी कैसा? हेलो फ्रेंडा। आशी हेलो बोलो। और ये ना लवली की जो सबसे छोटी वाली मौसी है ना, वो हैं उनके बच्चे हैं। मौसी ना शर्मा गई जब मैंने उनकी तरफ कैमरा घुमाया। कई लोगों को ना आ जाती है थोड़ी शर्म। अब घर में लग रहा है कि हमारे घर में है शादी। चारों तरफ ना रौनक ही रौनक छाई हुई है। बड़ा अच्छा लग रहा है। जहां भी जाओ वहां दो तीन लोग बैठे होते हैं। कहीं यहीं पे जाके बैठ जाती, कहीं वहां जाके बैठ जाती। वैसे तो कोई काम नहीं, ना खाना ना बर्तन, लेकिन सबके साथ बातें वगैरह कर रही हो ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वाकई। तो ये देखिए पूड़ियों की तैयारी चल रही है। ताई पूजेगी ना, तो उसके लिए ना पूड़ी की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए पूड़ियां बना रहे हैं ये लोग। तो जिन जिन लोगों ने घना डाला था ना, वो सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ढोलक वगैरह बज रही है, तो वही लोग ताई भी पूजेंगे जिन जिन लोगों ने घना डाला था। तो ये देखिए भाभी पूज रही हैं ताई। किस तरीके से पूजा जाता है ना ताई, छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है, मतलब जो भी रस्में होती हैं वो सारी की सारी पूरी की जाती हैं। तो मैं भी पूछ रही थी कि कैसे क्या करना है, वही मुझे बताया। और ना आपको वीडियो प्रॉपर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ना जिस बच्चे से मैं शूट करवा रही थी ना, मतलब मौसी की बेटी है, वो सही से ना उसने कैमरा पकड़ नहीं पाया था। भूख लगी है, खाना दे। देखो ये सब खाना नहीं दिया गया बिल्कुल भी। खाना नहीं मिला। आ रहा है खाना, रोटियां सीख रही है। मैं भी खाऊंगी भैया खाना। भैया मुझे नहीं खिलाओगे? अरे भैया नहीं खाया है, 3 घंटे हो गया, भैया रोटी खाएंगे। मुझे भी खिलाओ ना, पहले मैं खा लूं, बच बुच की तो ले ले। इसमें पानी और डाल। भैया बहन को ना साथ में, सारे भैया बहन ना खाना ना रोज रोज नहीं खाते साथ में, जब कभी मौका लगता है सालों में। अभी देखो अभी है ना भैया, रोज रोज कौन खा पाता है। सब्जी टेस्टी बनी है। लेडीज लोगों का ना ढोलक का कार्यक्रम जारी है। हम खा रहे हैं सारे भैया बहन मिलके खाना, क्योंकि ये मौका ना रोज रोज नहीं आता यार। और वैसे ना खाना इन लोगों ने बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है। तो खाना पीना खा के ना एकदम फ्री हो चुके हैं। हाय मेरी चोट लग गई क्या? नहीं बाल है, हाथ में जरूर लग गई चोट। ये देखिए पता नहीं कहाँ मार के ले आई मैं। मैं और भाभी बैठे हुए हैं, भाभी सबको खाना खिला के आई हैं। वेलकम नहीं, गुड नाइट बोलने जा रही हूँ मैं। तो ढोलक वगैरह अभी भी बज रही है, बाकी लेडीज रह गई हैं, सबने खाना खा लिया, सबको खाना खिला दिया है। तो ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। कितना टाइम हो रहा है? 10 बज चुके हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल चढ़ेगा तेल, तो कल वाले ब्लॉग में ना बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ढोल पे डांस करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है, वो भी माइक में। तो कल वाला ब्लॉग देखना मिस मत करना, पता नहीं कब आएगा, तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सारे ब्लॉग बेटाइम आते हैं। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड एक कमेंट प्यारा सा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।